नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धीरेंद्र डबास द ट्रैवल देसी में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त धीरेंद्र डबास। तो दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखी जयपुर की वे मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस जहां टूरिस्ट सबसे ज़्यादा जाता है। तो दोस्तों, पिछला वीडियो मैं आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के हम इस वीडियो में और जयपुर की कुछ फेमस जगह देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जंतर मंतर को देखने के बाद अब हम आ पहुंचे हैं सिटी पैलेस। तो सिटी पैलेस बिल्कुल उसी कंपाउंड में है दोस्तों, मात्र एक मिनट की दूरी पर ही है, आप पैदल यहां पर आ सकते हैं। दोस्तों, सिटी पैलेस को देखने का जो टिकट है वो 200 रुपये है, और इसमें जो है आप म्यूज़ियम भी देख पाएंगे जो कि सिटी पैलेस के अंदर ही है। दोस्तों, सिटी पैलेस को भी महाराजा सेवई जयसिंह ने 1729 में बनवाया था। दोस्तों, जब आप यहां आएंगे तो सिटी पैलेस का जो स्ट्रक्चर है, जो आर्किटेक्चर है, जब आप देखेंगे तो आपको जो है ये फील होगा कि जो राजपूताना जो आर्किटेक्चर है वो बेहद खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। और एक बात और बता दूँ दोस्तों, जो रूलिंग जो फैमिली है वो आज भी इस सिटी पैलेस के प्राइवेट पार्ट में रहती है। दोस्तों, जो ये सामने आपको दिखाई दे रहा है ये है मुबारक महल, और आजकल इस मुबारक महल को एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। दोस्तों, इस म्यूज़ियम में आप देखेंगे कि जो राजपूत जो फैमिली थी वो कैसे कपड़े पहनते थे उस समय पे, राजाओं के कैसे कपड़े होते थे, उनके कैसे औजार होते थे, कैसे हथियार होते थे, तो ये सभी चीज़ें आप इस म्यूज़ियम में देख पाएंगे, और इसमें आप जो है रॉयल परिवार की तस्वीरें भी देख पाएंगे। आगे इस तरफ है वेपन्स, जो उस समय पर हथियार यूज किए जाते थे। दोस्तों, सिटी पैलेस में एक ऐसी जगह भी है जिसे दीवाने आम कहा जाता है, जहां महाराजा सार्वजनिक सभा करते थे। और फिर आता है दीवाने खास, जहां महाराजा अपने दरबारियों के साथ प्राइवेट सभा करते थे। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं महल की तरफ। यहाँ अंदर जो है तो काफ़ी सुंदर जगह है, आप भी यहाँ जाएंगे तो दोस्तों आपका दिल खुश हो जाएगा। कब में से जो है आपका समय जो है गुजर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ पर महल में जो छत है दोस्तों, वहाँ पर जो है बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाए गए हैं, और यहाँ पर जो है रेस्टोरेंट भी है दोस्तों, आप यहाँ जाकर कुछ खा पी सकते हैं। दोस्तों, ये जो सामने आपको बड़े बड़े जार दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है गंगाजली, और जो इनकी कैपेसिटी है वो है 4000 लीटर की। ये चांदी के बने हुए गंगाजली हैं। इन बड़े बड़े बर्तनों का जो नाम है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आता है। कहा जाता है कि महाराजा माधव सिंह ने इनमें जो है गंगाजल लेके गए थे जब वो इंग्लैंड की यात्रा पर गए थे। तो दोस्तों, यहाँ पर है सभी के तस्वीरें। दोस्तों, आप सिटी पैलेस देखने के लिए और यहाँ की संपूर्ण जानकारी लेने के लिए गाइड भी हायर कर सकते हैं, और सिटी पैलेस को देखने में आपको कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। तो दोस्तों, जब आप ये सिटी पैलेस देखेंगे तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आप यहाँ की खूबसूरती को देख के मंत्रमुग्ध हो जाओगे। दोस्तों, इस सिटी पैलेस का जो आर्किटेक्ट है वो विद्याधर भट्टाचार्य, और
सर सैमुअल स्वीटन जैकब ने डिजाइन किया था। दोस्तों सिटी पैलेस राजपूत, मुगल और यूरोपीय शैली का मिश्रण है। दोस्तों इस सिटी पैलेस में एक गेट है जिसका नाम है त्रिपोलिया गेट। वहाँ से केवल जो यहाँ का शाही परिवार है उसका निवास जो है उसके लिए ही जो है खोला जाता है, उसमें से सिर्फ वही आ सकते हैं और इसके अलावा जितने भी गेट हैं उनमें से आम लोग आ सकते हैं। तो दोस्तों ये है वो गंगाजली। यहाँ पर ये चांदी के दो बड़े बड़े बर्तन हैं जिनमें गंगाजल भरा जाता था, क्योंकि महाराजा सिर्फ गंगाजल पीते थे। दोस्तों यदि आप भी रॉयल फील लेना चाहते हैं तो ये बग्गी जो है आप यहाँ पर किराए पे रेंट करके आप भी इसमें जो है घूम सकते हैं। दोस्तों इस महल में सिवाय माधो सिंह प्रथम द्वारा पहना गया कपड़े का सेट भी रखा गया है जो 1.2 मीटर चौड़ा और 250 किलोग्राम का है। दोस्तों आप सिटी पैलेस को सुबह 9:30 बजे से शाम के 5 बजे तक देख सकते हैं और ये हैं वो कुछ तोपे जो उस समय इस्तेमाल की जाती थी और ये है वो महल जिसमें अब भी जो है रॉयल फैमिली रहती है। तो दोस्तों अब हम आ पहुंचे हैं अपने अगले टूरिस्ट अट्रैक्शन पर जिसका नाम है जल महल। इस जल महल को कई नामों से जाना जाता है दोस्तों, अंडर वाटर पैलेस, फ्लोटिंग पैलेस या फिर वाटर पैलेस या फिर जल महल। दोस्तों जिस झील में ये बना है जल महल, इस झील का नाम है मानसागर झील। दोस्तों पीछे आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, आगे है मानसागर झील और इसमें बना हुआ जलमहल। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप आएंगे आपको एक अलग ही शांति का जो है अनुभव होगा, क्योंकि ये जो है शहर की भागदौड़ से और भीड़ से बिल्कुल अलग है। जो सामने आपको पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं दोस्तों वो अरावली पर्वत श्रृंखला है। इस जल महल का निर्माण आमेर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। महल शुरू में 1699 में बनाया गया था और इसको जो है अलग अलग समय पर पुनः निर्मित किया गया है। दोस्तों आप यहां से खड़े होकर नारगढ़ की पहाड़ियां देख सकते हैं और चारों तरफ जो है बहुत सुंदरता है दोस्तों, और यहां से पास में ही है आमेर का किला, नारगढ़ का किला, जयगढ़ का किला। तो ये बिल्कुल शहर के बाहर है और यहां पर आपको अलग ही शांति का जो है अनुभव होगा। दोस्तों जो ये जल महल है ये 4 मंजिला महल है और मज़े की बात ये है दोस्तों कि इसकी 3 मंजिलें हमेशा पानी में डूबी रहती हैं, केवल 1 मंजिल ही सामने दिखाई देती है। दोस्तों यदि आप जल महल को अंदर से जाके देखना चाहें तो जा सकते हैं, यहाँ पर लकड़ी की नाव अभी भी हैं और वो आपको इस जल महल तक ले जाएंगी। दोस्तों जयपुर के सभी पर्यटक स्थल 2 वीडियो में दिखाना असंभव है। दोस्तों आप जब भी यहाँ जाएंगे आपको बहुत सारे जो है टूरिस्ट यहाँ पर मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ अगले पार्ट में जयपुर की कुछ और शानदार जगह के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए अलविदा। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।